बिल्कुल ठीक। Hi guys, welcome back to another vlog. आज का vlog is my cleaning vlog. उस दिन ना मुझे काफी लोगों ने कमेंट में बोला कि भाई हमें बताएं कि आप घर साफ कैसे करती हैं। तो मैंने सोचा कि यार आज ना एक क्लीनिंग व्लॉग कर लेते हैं। आज जुमा है और मेरी गुड़िया वापस आ रही है मेरे पास। और आर्या जब वापस आती है ना तो मेरा दिल करता है कि घर की सफाई होनी चाहिए, मैं रेडी होनी चाहिए सो दैट आई कैन एंजॉय द डे विद हर। यू नो जो भी मेरा दिन होता है उसके पिकअप के बाद आई वांट टू स्पेंड दैट टाइम विद हर। सो यू नो आई एम गोइंग टू क्लीन दिस हाउस। बट बिफोर वी गो ऑन टू द क्लीनिंग पार्ट आई रियली वांटेड टू शेयर पीआर पैकेज विद यू गाइस which I received few days ago. It's from this brand Fizzy Goblet. They have sent me two pairs of khussas. You know hamari jo traditional juti hoti hai khussa, I fell in love with this because it's all hand embroidered. Check this out, this one is called Titli Flight and you know बहुत ही प्यारा काम हुआ हुआ है, हाथ का काम हुआ हुआ है ना, यू नो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा काम, यू नो जिसपे आर्टिजन्स ने हाथ से स्किल किया हो, यू नो लाइक इट्स हैंड क्राफ्टेड, सो मुझे बहुत अच्छी लगते हैं हैंड क्राफ्टेड चीज़ें। और जो दूसरा पेयर उन्होंने मुझे भेजा है इट्स कॉल्ड फ्लावर पावर और इसका काम चेक करें गाइज, इट इज़ सो प्रिटी। इनकी ये वेबसाइट है, प्लीज़ चेक आउट देयर वेबसाइट एंड दे हैव ब्यूटिफुल डिज़ाइन, ब्यूटिफुल वेराइटी एंड यू नो यू गाइज विल कोर्स लव इट बिकॉज यू नो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब किसी चीज़ पे इतनी मेहनत की जाती है एंड यू नो मुझे उन डिज़ाइनर्स पे भी बहुत फ़ख्र महसूस होता है हु वर्क विद आर्टिजन्स, जो आपके लोकल कारीगर होते हैं आप उनको चांस देते हो कि यू नो उनको प्रमोट करने का, उनकी जो ट्रेडिशनल आर्ट है स्किल है उसको प्रमोट करने का। सो मुझे इस तरह के डिज़ाइनर्स बहुत पसंद हैं। सो या प्लीज़ डू चेक आउट फिजी गॉबलेट। अब चलते हैं सफाई के पास। घर की हालत बहुत बुरी है स्पेशली एंट्रेंस की। कुछ दिनों पहले ना हमारे नेबर्स ने अपने बाहर जो बाहर की घास होती है ना वो काटी थी और उस दिन विंडी मौसम था। बहुत ही गलत आइडिया था हमारे नेबर्स का, बट हुआ क्या, जिस रुख में हवा थी उस रुख वाले जो घर थे उन सब में वो घास घुस गई और मेरे घर में इतनी सारी एंट्रेंस पे घास है। so, अब मुझे ये भी साफ करना है, वैक्यूम करना है। अच्छा सबसे पहले था मैं डस्टिंग करती हूँ। डस्टिंग से फ़ायदा ये होता है कि जितना भी पोलन या जो भी डस्ट है वो सारी ज़मीन पे गिरती है, उसके बाद आप वैक्यूम करें और उसके बाद मॉप, और जो आपका बेड है और उसको आप साफ़ कर लें, अगर कोई टेबल शीशे वगैरह हैं वो साफ़ कर लें, और उसके बाद वॉशरूम और पहले किचन। किचन खैर साफ़ हुआ हुआ है, बर्तन धुले हुए हैं बस वो मैंने वापस डाले हैं, तो उसके बाद हम टॉयलेट को क्लीन करेंगे एंड ऑल दैट। इनफैक्ट अभी सफाई से जाने से पहले ना, आप बोर तो नहीं हो रहे, बट सफाई में जाने से पहले लेट मी शो यू समथिंग एल्स। दो दिन पहले ना मैंने H&M से अपने लिए विंटर कोट्स ऑर्डर किए थे। अब मैं व्लॉग कर ही रही हूँ तो मैं दिखा ही देती हूँ, आई मीन इतना भी क्या है मैं ना। सो लेट्स गो चेक आउट द कोट्स। ओके अच्छा भाई आप लोग प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा कि मैं बहुत ही कोई ब्रैग कर रही हूँ या शो ऑफ कर रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अ लॉट ऑफ यू एक्चुअली ask me about things that I wear, you know, dresses, then you know things that I carry. So मैंने सोचा कि यार अच्छा आइडिया है कि जब भी मैं कोई नई चीज़ खरीदूँ मैं आप लोगों से शेयर कर लिया करूँ, ताकि जो आपके सवालात होते हैं उनका जवाब पहले ही आपको मिल जाए। सो मैंने basically long coats order किए थे H&M से। ये दो coats हैं, एक खाकी brown color में है और एक grey color में है। दोनों काफ़ी मोटे coats हैं। मैं honestly बताऊँगी, इसका ये वाला texture है और इसका इस तरह का स्वेड मोटा सा एक मटेरियल है। मुझे ये आई थिंक $100 तक का पड़ा था और ये $70 का, विच वॉज क्वाइट रीजनेबल, बिकॉज अगर आप लॉन्ग कोट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे लॉन्ग कोट्स काफ़ी महंगे मिलते हैं और जहाँ पे सस्ते मिलते हैं तो उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती एंड दैट्स द प्रॉब्लम। सो या I wanted to buy these. अब if you want, I can try them on as well. ये थोड़े से ना oversized look coats हैं। इनकी जो look आती है वो थोड़ा oversized आती है। मैं आपको try करके दिखा ही देती हूँ actually, you know, it will be a better idea. So let's try them on, okay? So guys, this is the first coat. I'm literally in my PJs and chappals. But this is how it looks. ये बहुत comfy है। It's a long coat. और बहुत मोटा भी है एंड बेस्ट पार्ट है कि इसके अंदर लाइनिंग लगी भी है। काफ़ी जो सस्ते कोट्स मिलते हैं ना स्पेशली फ्रॉम ब्रांड्स हु
वर्क ऑनलाइन लाइक शीन वगैरह उनकी ना अंदर कोट्स में लाइनिंग नहीं होती एंड दैट इज समथिंग आई डोंट लाइक बट दिस इज रियली वार्म इट इज वेरी नाइस इट लुक्स नाइस यू नो इट विल लुक गुड विद हील्स एज वेल एज लोफर्स रनर्स यू नो आप जीन्स के साथ पहनना चाहें आप फॉर्मल वेयर के साथ पहनना चाहें ड्रेसेस के साथ पहनना चाहें इट विल गो विद एवरीथिंग सो या दिस इज द फर्स्ट वन लाओ लेट्स गो ऑन टू द सेकेंड वन And this is the second coat. This one has a belt in front to tie around your waist. Iska color bahut pyara hai. And you know, it's looking so nice with the black. All black inside and you know, upar se ek khaki coat. Achha bhai, warm dono coats hain. I'll be honest with you guys, bahut hi zyada warm hai. But of course, isko aap button pehle band karenge idhar. And you know, then you can just tie the belt if you're feeling really cold. But to be honest, I don't like coats tied up. So I'm going to tie the belt behind. So, you know, it gives a little bit of fitting. Like, agar aap iske belt ko aise peeche baandh dena, to wo aapko fitting deta hai coat ki aur aage se you can just keep it open. I think it's very nice. What do you guys think? Which one is your favorite? Achha, ab main zyada time nahi lungi. Safai ke paas chalte hain. Safai ki to main aise bol rahi hu jaise meri koi dost hai ki uske paas chalte hain. But yeah, I love cleaning the house because, you know, जब घर साफ सुथरा होता है ना तो बैठने का मजा भी अलग आता है सो या लेट्स गो गेट डन विद द क्लीनिंग एंड देन गो पिक माय लिटिल वन ओके बट यू हैव टू टेल मी व्हिच कोट यू लाइक मोस्ट दिस वन और द ग्रे वन खाकी वन और ग्रे वन कमेंट बिलो अच्छा गाइज आप चलते हैं घर की तरफ मैं आपको पहले ये भी दिखा दूं कि घर एट द मोमेंट लक कैसे रहा है टू बी ऑनेस्ट घर के हाल इतने बुरे नहीं है इट्स मेनली दिस फ्लोर कैन यू गाइस सी इस फ्लोर की हालत देखें ये वही ये घास है जिसकी मैं बात कर रही थी पूरा का पूरा ना ये मेरे घर के अंदर ऐसा हाल हुआ है कैन यू गाइस सी एंड क्योंकि मेन डोर है ना तो जब दरवाज़ा खोला हवा इतनी तेज थी कि वो सारी घास मेरे घर के अंदर और मैं आपको दिखा देती हूँ ये देखें मेरे घर के हालात खैर यहाँ पे मैंने कार्टन्स काटे थे कुछ क्योंकि मैं अपना गैराज भी ना वो फिक्स कर रही हूँ थोड़ा सा साफ ऑर्गेनाइज कर रही हूँ सो ये मैंने कार्टन्स वगैरह भी काटे थे बट ये घास और कार्टन सब मिक्स होके ना इतना गंदा हो गया है घर बाकी घर के ये हालात हैं कि ये एरिया वो एक्चुअली शीशा मैंने अभी बाहर रखा हुआ है क्योंकि मैं अभी कोई स्टोरीज वगैरह बना रही थी तो उसके लिए और बेड की शीट्स अभी न्यू हैं सो आई एम गोना कीप देम बट आई नीड टू फिक्स इट ये कोट्स को मैंने कहीं रखना है क्योंकि आई कांट कीप द कोट्स हियर आई थिंक आई विल पुट देम इन द क्लोज़ेट ये बैग्स वगैरह ये सब शीशे के पीछे जाते हैं और ये है मेरा आर्ट बॉक्स इसमें मेरा सारा आर्ट का कचरा है आई नीड टू गेट रिड ऑफ द ट्रैश आई नीड टू पुट दीस बैक वॉश देम यू नो क्लीन द किचन एज वेल लिटिल बिट यू नो किचन एक्चुअली इतना अच्छा भी नहीं हुआ बट या सो लेट्स डू इट लेट्स क्लीन इट टुगेदर बट मेनली घर की डस्टिंग होना रहती है सो पहले डस्टिंग कर लेते हैं पहले लाउंज से स्टार्ट करते हैं एंड देन यू नो विल गो फर्दर सो लेट्स गो अहेड सबसे पहले डस्टर यूज़ करके मैंने ब्लाइंड्स को साफ करना होता है बिकॉज ब्लाइंड्स में बहुत ज़्यादा डस्ट एंड पोलन आ जाता है क्योंकि आपको पता है मेरी एक ही खिड़की है तो इसकी वजह से सारा जो पोलन होता है वो यहीं से आता है बेसिकली अच्छा ब्लाइंड्स के बाद मेरी प्रेफरेंस होती है टू क्लीन ऑल द टेबल्स फॉर नॉर्मल टेबल्स आई यूज़ और पर्पस क्लीनर बट फॉर दिस मेन कॉफ़ी टेबल ये बेसिकली ग्लास का है तो इसके लिए मैं विंडेक्स या ग्लास क्लीनर यूज़ करती हूँ बट लाउंज में सबसे ज़्यादा यूज़ भी यही टेबल होता है आर्या के हाथ के निशान और इतना गंदा हो जाता है सो आई हैव टू क्लीन इट अच्छा उसके बाद मैंने टेलीविज़न को क्लीन किया यूजिंग माई नॉर्मल ग्लास मिरर क्लीनर क्योंकि इस पर भी आर्या के हाथ के बहुत ज़्यादा निशान थे And now it was turned for the couches to be cleaned. मेरी पूरी कोशिश होती है कि couches के proper cushions उठा के मैं अंदर से बाहर से हर जगह से proper साफ़ करूँ because कभी कभी इसके अंदर से छोटे toys और कभी cookie crumbs you know चीज़ें ऐसी निकलती हैं so I have to clean all of it because I don't want any mess left behind. अच्छा लाउंज तो साफ हो गया है let's move on to Arya's play area. यहाँ shelves सबसे ज़्यादा हैं तो dust की जो मिकदार है वो भी ज़्यादा होती है इधर I make sure I pick up every decoration and then dust it properly. जी तो आज ये डिज़ास्टर हो गया एक्चुअली अभी तक ना कुछ काफ़ी फ्रेम्स हैं जिनमें मैंने तस्वीरें नहीं लगाई तो ये अभी फ्रेम मैं सफाई कर रही थी तो ये इसका जो ये पिछला वाला चीज़ है ना ये लूज़ हुई हुई थी आई डेंट रियलाइज दैट एंड यू नो
पटाख की आंखें जमीन पे गिरा है फर्श पे और इसके शीशे भी हैं। अब मुझे ये वैक्यूम करना जरूरी है आर्या के आने से पहले, क्योंकि इसमें छोटा छोटा शीशा भी हो सकता है जो कि आपको नजर आ रहा है। सो आई नीड टू क्लीन दिस अप, यू नो, बट लेट मी फर्स्ट डू दिस डस्टिंग। बट ये नुकसान होता है, चलें जो अल्लाह की मर्जी, नुकसान भी होते रहते हैं ऐसे छोटे मोटे। इंसान को बस ग्रेटफुल होना चाहिए फॉर अ गुड हेल्थ एंड फॉर देयर लव्ड वंस अराउंड। सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर डस्टिंग फ्रॉम दिस कॉर्नर एज वेल। ये है मेरा फेवरेट कॉर्नर, माय बेडरूम। अच्छा, मैं बेडशीट्स आज नहीं चेंज करूंगी क्योंकि दे आर प्रीटी फ्रेश। मेरी कोशिश होती है कि वीक में बस एक बार ही बेडशीट चेंज करूं। और ये जो बेड स्प्रेड और ये पूरा शीट है, ये मैंने कराची में किसी लोकल वेंडर से लिया था, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। क्योंकि सर्दियाँ हैं तो नीचे मैं कंबल की लेयर लगाती हूँ और उसके ऊपर मैं बेड स्प्रेड लगा देती हूँ। एंड दिस इज़ हाउ आई मेक माई बेड। यू नो, एवरी हाउस हैज़ दैट वन चेयर ऑन विच यू कीप एवरी थिंग, आदर इट्स क्लोथ्स, your personal belongings or anything that you have in your hand, you're just going to go and put it on that particular chair. But for me, it's not just one chair, it's this whole dining area. Ji, aapne bilkul durust suna, ye jo pura dining area hai na mera, ye hai meri wo ek kursi jis pe main pure ghar ka saman la ke rakh deti hu. You know, isko saaf karna bhi bahut mushkil hota hai, and now it's time to clean this mess and, you know, make this area a bit presentable. So let's just clean it up, okay? अच्छा, अब चलते हैं किचन की तरफ। सबसे पहले मैं बर्तन सारे रख दूँ अंदर जो धुले हुए थे, और अब मेरे पास जो ये बर्तन हैं धोने के लिए, आई रियली विश आई हैड अ डिशवॉशर इन दिस अपार्टमेंट, बट सैडली आई डोंट हैव, सो आई एम गोना यूज़ माय हैंड्स टू क्लीन ऑल दीज डिशेस। सो लेट्स डू दैट। तो जनाब, किचन साफ हो चुका है, खाना तो मैंने पहले ही रेडी किया हुआ था, तो ये देखें सारा किचन साफ है। अब बारी है वैक्यूम की, और अब चलते हैं टॉयलेट की तरफ। मैं आपको टॉयलेट का पहले ही बता देती हूँ, वार्निंग दे देती हूँ कि ये कोई अच्छी हालत में नहीं है। दिस इज़ द वैनिटी दैट आई हैव। ये हमारी वैनिटी है जो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर एवरी डे। हाई, इसके हालात काफ़ी बुरे लग रहे हैं। आई नीड टू क्लीन ऑल ऑफ दिस वैनिटी, आई नीड टू क्लीन द टॉयलेट सीट, एंड देन ऑफकोर्स मॉपिंग और वैक्यूमिंग सब करना है। यहाँ पे मेरे सारे ये चीज़ें होती हैं, तो ये सब अभी मुझे साफ करना है। एंड या, kind of tired to be honest, थक गई, but this is life, let's clean up। इस वैनिटी को साफ करना मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है फ्रॉम द क्लीनिंग, बिकॉज आई रियली इंजॉय क्लीनिंग दिस पार्ट। यू नो, मज़ा आता है, अच्छे से आप साफ करो, शीशा साफ करो और सारा उसको चमकाओ, यू नो, द टैप्स एंड स्टफ, आई मेक श्योर दैट एवरी थिंग इज शाइनिंग। And yeah, that's how I clean my vanity. And saath hi mein, of course, I clean the toilet. And make sure once you clean the toilet, always wash your hands afterwards. And I always make sure that I refill my toilet paper as well. अच्छा भाई, डस्टिंग भी हो गई है, mostly काफ़ी घर भी साफ हो गया है। All I have to do is vacuum the whole house. आई नो आप लोगों को लगता होगा कि इतना बड़ा घर तो है नहीं जितनी बात हो रही है, लेकिन वाकई ये एक बड़ा सा हॉल है, तो यू नो इसको करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, स्पेशली इफ़ यू गो थ्रू एवरी कॉर्नर। सो या, लेट्स डू द वैक्यूमिंग ऑफ लाउंज एंड देन आरियाज कॉर्नर एंड देन द बेडरूम, द डाइनिंग एरिया, देन द किचन, एंड ऑफ कोर्स इन द एंड इट हैज़ टू बी द टॉयलेट। अच्छा, टाइम टू पुट दिस गार्बेज बैग इन द बिन्स आउटसाइड, बट उसके बाद आई हैव टू मेक श्योर दैट आई पुट अ न्यू गार्बेज बैग इन माई इनडोर बिन। बट सबसे पहले आई एम गोइंग टू यूज़ एन एंटी बैक्टीरियल स्प्रे टू पुट ऑन टॉप ऑफ इट एंड इनसाइड एज वेल, एंड उसके बाद आई एम गोइंग टू पुट दैट गार्बेज बैग ऑन माई बिन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माई मोस्ट नॉट सो फेवरेट पार्ट ऑफ द क्लीनिंग रूटीन इज द मॉपिंग। I'm thinking to switch to a steam mop very soon, but let's see, तब तक इसी से काम चला लेते हैं। पूरे घर को मॉप करने के बाद ना वाकई हालत टाइट हो जाती है मेरी, इट इज़ सो टायरिंग। पहले तो मैं नीचे बैठ के पोछा लगाती थी, बट थैंकफुली आई गॉट दिस, सो या, मच बेटर। मैंने कहा था ना, घर साफ होकर बहुत ही अच्छा लगता है, एक सुकून वाली फीलिंग आती है। सो देयर यू गो गाइज, दिस इज़ माई फेवरेट प्लेस इन द होल वर्ल्ड, माई ब्यूटिफुल लिटिल अपार्टमेंट। It's all clean, sorted and organized to welcome my little gudiya. Alhamdulillah.
फाइनली पूरा घर साफ हो चुका है, किचन भी साफ है, घर भी साफ है, टॉयलेट भी साफ है, डाइनिंग टेबल भी साफ है, लाउंज भी साफ है और अब टाइम है मेरी गुड़िया को पिक करने का. सो आई एम गोना गो गाइस, आई होप यू एंजॉय दिस लिटिल क्लीनिंग व्लॉग. इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ थम्स अप ऑन दिस वीडियो. ओके, एंड इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस दैट यू वांट टू आस्क मी related to my cleaning routine, please comment below and I'll get back. And I know you guys love me. I love you too. Bye guys.